हमारी आवाज सुने। तस्वीरें सोनीपत की हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्राएं अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। नारेबाजी कर युवाओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। युवाओं की मांग है कि सरकार आने वाली भर्तियों में उम्र में छूट दे, ताकि कोरोना काल में सरकार ने जो भर्तियां नहीं निकाली उनमें उनकी उम्र निकल गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई साल से सेना में भर्ती नहीं निकाली है, भर्तियां निकाली जाए। हरियाणा सरकार ने जो पुलिस भर्ती निकाली थी उसको जल्द से जल्द उनकी आगामी कार्रवाई शुरू करे, ताकि अन्य युवाओं को मौका मिल सके। युवाओं ने सरकार पर बेरोजगारी बढ़ाने के आरोप भी लगाए। प्रदर्शन जो सर, इसलिए वैकेंसी रुकी हुई है, उनकी भर्ती को पूरा किया जाए। और सर जो बस पास इसके लिए है, जो स्टूडेंट दूर से गांव से आते हैं, जो लड़की आती है, उनके लिए बस पास फ्री किए जाने चाहिए। और क्या मांगे हैं इसके अलावा? और एजुकेशन को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। आज कहां से कहां तक प्रदर्शन करोगे? आज सुबह चौक से और कोर्ट तक, सचिवालय तक। आज इसलिए प्रदर्शन किया गया है, जो पिछली भर्तियां रुकी हुई हैं उनके लिए प्रदर्शन कराए। अगर वो ही पहले लगे जाएंगे तभी हमारा नंबर आएगा। और जो शिक्षा है वो टैक्स फ्री होनी चाहिए, सबको एक समान होनी चाहिए, गरीब अमीर सबके लिए एक समान होनी चाहिए। बेरोजगारी की बढ़ती समस्या और विभागों में लंबी भर्तियों को लेकर छात्रों और छात्राओं ने कहा कि हरियाणा पुलिस की लंबित भर्ती को अविलंब पूरी कर नियुक्ति दी जाए। वहीं सोनीपत में निजी कोचिंग चलाने वाले संचालक भी मौजूद रहे। छात्र और छात्राओं का साथ देते हुए कहा कि कोचिंग लेने वाले छात्रों के भी बस पास बनवाए जाए, ताकि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में आने जाने में सुविधा हो सके। कितनी बार जो मांग उठाई जा चुकी है, सरकार जो भर्ती कर ही नहीं रही है। 2019 से भर्तियां लंबित हैं, ये बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं तो तीन चार साल हो गए, तो कब तक पढ़ते रहे? तो हरियाणा सरकार को बिना समय गवाए जल्दी से जल्दी इनको नियुक्ति देनी चाहिए। हरियाणा पुलिस के सारा प्रोसीजर पूरा हो चुका है, सिर्फ ज्वाइनिंग पेंडिंग है। आर्मी के अंदर 2 साल से भर्तियां नहीं हो रही है, तो भर्तियां होनी चाहिए। और हमारी मांग है इसके साथ एजुकेशन टैक्स फ्री होनी चाहिए। और जो बस जो ये बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं, जैसे स्कूलों में कॉलेज में बस पास फ्री है, तो कोचिंग वाले बच्चों को भी जो है बस पास फ्री मिलना चाहिए, ये हमारी मांगे हैं। हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर विपक्ष लगातार इस सरकार पर निशाना साध रहा है, तो युवा भी सरकार के खिलाफ एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आज सोनीपत की सड़कों पर सैकड़ों युवाओं ने रोष मार्च निकाला। युवाओं का ये रोष मार्च सोनीपत के सुभाष चौक से लेकर लघु सचिवालय तक रहा। यहाँ पर युवाओं ने अधिकारियों के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भी अपनी मांगों को लेकर सौंपा। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।